सो गाइज माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो समर स्लैम 2021 में अभी से जस्ट कुछ घंटे के बाद हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है बियंका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक के बीच में। तो गाइज इस मैच में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो गाइज उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें, चलिए सेलिब्रिटी को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मैच के बारे में यानी कि इस राइवलरी के बारे में। तो गाइस रेसलमेनिया 37 में ये मैच हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहां पे गाइस बियंका ब्लेयर पहली बार हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनती हैं। और गाइस बियंका ब्लेयर 2020 वुमेन्स रॉयल रंबल को जीत के वो उनको सेलेक्ट करती हैं रेसलमेनिया 37 में, वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को जीतती हैं। और गाइस होता यूँ है कि आने वाले कुछ मतलब आप कह सकते हो कि मनी इन द बैंक के बाद जो एक स्मैकडाउन होता है अचानक से हमें साशा बैंक का रिटर्न देखने को मिलता है, साशा बैंक का हमें हील कैरेक्टर वाला हमें रोल देखने को मिलता है, वो उनको चैलेंज करती हैं, फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, मैच ऑफिशियल तौर पर एडवर्टाइज होता है कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिलने वाला है। जहाँ पे गाइस इस आप कह सकते हो कि इस मैच में काफ़ी सारे रूमर्स भी आते हैं कि ये मैच नहीं हो सकता है, साशा बैंक बियंका ब्लेयर फिट नहीं है, बहुत सारे लोचे होते हैं। लेकिन फिर भी गाइस अब ये मैच अब ऑफिशियल तौर पर क्रिस्टल क्लियर कन्फर्म हो चुका है कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस हम देखते हैं कि अभी से कुछ घंटे के बाद समर स्लैम में ये मैच हमें कैसा देखने को मिलता है। लेकिन हो सकता है गाइस कि मैच काफ़ी अच्छा हो सकता है, मैच की बुकिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। और गाइस वहीं पे रिजल्ट की बात रही तो देखते हैं WWE किसको सपोर्ट दिखाती है, यानी कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियंका ब्लेयर इस मैच को जीतती है या इस मैच को साशा बैंक जीतती है। तो गाइस कुछ भी कहना इस राइवलरी में यानी आप कह सकते हो कि इस मैच का रिजल्ट के बारे में कहना मुश्किल है, तो बाकी समर स्लैम में हमें मालूम पड़ ही जाएगा क्या होता है। तो गाइस फाइनली बाय फ्रेंड्स।